नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेस में। जो हमारी श्रृंखलाएं चली थी ALP परीक्षा के लिए, वो CBT 2 की परीक्षा अपूर्ण हो चुकी है। अब हमें बढ़ना है अगले आयाम की ओर। और जो हमारा अगला आयाम रहेगा वो रहेगा आपका कि जिन भी विद्यार्थियों ने लोको पायलट को सिलेक्ट किया था, अपनी प्राथमिक जो प्रायोरिटी दी थी लोको पायलट को, उनका एक अन्य पेपर और होता है जिसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, व्यक्ति की मानसिक और तार्किक क्षमता को चेक किया जाता है कि क्या वो जिन संकेतों को, जिन सिग्नल को उसको दिखाया जाएगा, उनको याद रखने में समर्थ है। जो बातें उसको गाड़ी में सवार होने से पहले बताई जाएगी, उन बातों के प्रति वो संजीदा है, उनको अपने लाइफ के अंदर ढाल सकता है। जिन संकेतों को उसको एक बार प्रदर्शित किया गया है, क्या वो इतना समर्थ है कि वो उनको पूरे दिन तक याद रख सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने क्या किया है कि जो आपकी स्टेशन मास्टर और लोको पायलट, इन दो पोस्टों के लिए जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट निर्धारित किया है। इस एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या किया जाता है कि आपके जो मानसिक योग्यता है, उस मानसिक योग्यता की परख की जाती है। आपको कुछ एक टेस्ट देने होते हैं, उन टेस्ट के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि क्या आप उस नौकरी को प्राप्त करने के लायक हो या नहीं हो। तो हम आज बात करेंगे इस साइको टेस्ट के विषय में। तो बिल्कुल भी समय ना खराब करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो लेक्चर की। तो बात करें जब हम साइको टेस्ट की या एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो पहले के समय जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता था आपका, वो होता था OMR के ऊपर और कॉपी और पेन के द्वारा। ठीक है, OMR होती थी आपके सामने, जो है वो रफ पेज दिए होते थे, उन पेज के ऊपर आपको पेन से हल करना होता था। अब आपको ध्यान में देना है, इस बार जो पैटर्न चेंज किया गया है वो क्या किया गया है कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब है कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रश्न दिखाई देंगे, उन प्रश्नों को आपको क्या करना होगा, एक बार देख करके कुछ समय के पश्चात वो स्क्रीन वहां से हटा दी जाएगी और आपके सामने आंसर की जो स्क्रीन है वो शो कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो इसके उत्तर देने होंगे। बात करें कि किनको ये टेस्ट देना है, तो किनको देना है, वो देना है जिन्होंने सिलेक्ट किया था ALP को अपनी प्रायोरिटी के रूप में। उन सभी विद्यार्थियों को क्या देना होगा, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो देना अनिवार्य होगा। यदि आप इस एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल होते हो तो आप ALP की दौड़ से बाहर हो जाओगे। इस परीक्षा को यदि आप सफल नहीं कर पाते तो आप ALP नहीं बन पाओगे। बात करें इसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है कि इस परीक्षा में कितने जो है वो प्रश्न करने जरूरी हैं और कितने मार्क्स जो है वो प्राप्त करना जरूरी है। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया वो रखा गया आपका 42% का, यानी आपको 42 मार्क्स जो है वो प्राप्त करने पड़ेंगे। जितने भी प्रश्न होंगे उनका 42% आपको प्राप्त करना पड़ेगा। बात करें तो यहां पर इस परीक्षा में जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोटा जो है वो आरक्षित किसी भी वर्ग के लिए नहीं होता। यहां पर ये नहीं है कि जनरल वाले को 42 लेने हैं और जो हमारे OBC वाले हैं उनको 35 लेने हैं या SC ST वालों को 20-25% लेने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वर्ग के लिए जो अंक प्राप्त करने जरूरी है वो आपके 42% अंक प्राप्त करने के बाद ही आप क्या कर पाओगे, इस परीक्षा को पास कर पाओगे। यदि आपके अंक 42% से कम है तो उस केस में आप जो है वो साइको टेस्ट में फेल माने जाओगे और साइको टेस्ट में फेल होने पर आप ALP के लिए जो है वो अयोग्य घोषित हो जाओगे। तो यदि आप CBT 2 क्लियर भी करते हो और उसके बाद ये टेस्ट पास नहीं कर पाते तो इसमें क्या होगा कि आपको ALP की परीक्षा के लिए आप जो है वो एलिजिबल नहीं रह पाओगे। तो ये तो थी कुछ एक बेसिक चीजें जिनके विषय में हमें जो है वो जानकारी होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा साइको टेस्ट होगा, इस साइको टेस्ट में किन किन प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, किस प्रकार से हम उनको हल कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी हमें रखनी होगी कि हमारा जो पेपर है वो आसानी से हल हो सके। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है कि जो आपने देखा होगा कि रेलवे की साइट पर दिया हुआ है कि वहां पर एक पेपर दे रखा है आपको,
उस पेपर के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जितने भी ये आप लोगों को बताए जा रहे हैं कि 5 मिनट में आप क्या कर दो, साइको टेस्ट पास कर दो, 10 मिनट ये वीडियो देख लो, 10 मिनट में आपका साइको क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको इन सब बातों में नहीं आना। सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस है आपको वही इस टेस्ट को पास करवा सकती है आपसे। किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो, कोई भी आपकी ट्रिक जो है वो आपको इस परीक्षा में पास जो है वो नहीं करवा सकती। सबसे पहली चीज तो यही निकल करके आती है। हाँ, ये हो सकता है कि एक स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी को यदि आप फॉलो करोगे तो उससे आपका काम कुछ आसान हो सकता है। लेकिन यदि आप बिना प्रैक्टिस के ये सोचो कि 5 मिनट में हमारा जो है वो हम कोई वीडियो से देख करके इसको सीख लें या कुछ भी कर लें, उस प्रकार के भ्रामक चीजों के अंदर हमें नहीं आना। हमें क्या ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही आप उसमें परफेक्ट रहोगे। दूसरा मेन काम आपको क्या करना है कि जैसे आपने देखा होगा कि प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं बात करूं मेमोरी टेस्ट की, तो मेमोरी टेस्ट में मान लिया आपके सामने 20 इमेज दी गई है, वहां पर 20 इमेज आपको दी गई है। अब आपको पता है कि जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 4 या 5 इमेज से रिलेटेड होगा, तो वहां पर आपका स्ट्रेटेजी आपको क्या करनी है, कोई ट्रिक नहीं होती। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप इन 20 के 20 को याद करने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि इन 20 को याद रख पाना 2 या 3 मिनट का समय होता है। इन 20 इमेज को आप याद रख पाओ, इन इमेज के साथ में नंबर भी कुछ हो सकता है लिखा हो, तो उन सब चीजों को याद कर पाओ, इतना आपके लिए संभव नहीं है। किसी भी विद्यार्थी के लिए वो संभव नहीं है कि 20 की 20 इमेज वो याद रख पाए। तो उस केस में हमें क्या करना है कि आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये काम करने हैं कि आप उसको कम से कम सीमित करो। जैसे आपके सामने यदि इमेज प्लस नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आपके सामने मान लिया किसी इमेज पे 12 लिखा हुआ है, किसी पे 14 लिखा हुआ है, किसी पे 16 लिखा हुआ है, किसी पे 78 लिखा हुआ है, किसी पे 80 लिखा हुआ है। तो आप ये काम कर सकते हो कि उनको छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज कर लो। ठीक है, 12 वाला याद रख लो, 14 वाला रख लो, 16 वाला रख लो, 78 वाला रख लो, 80 वाला रख लो, 25 वाला रख लो, 28 वाला रख लो, 29 वाला रख लो। लेकिन ये काम नहीं करना कि 20 इमेज है, 20 इमेज में पहले आप 78 वाला देख रहे हो, फिर 55 वाला, फिर 56 वाला, फिर आप चले गए सीधे 17 पे, फिर आप 19 पे। ये काम यदि आप करोगे तो आपके लिए जो है वो उसको याद रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना है कि खुद ही ऐसा एक प्लान तैयार करना है कि जिसके द्वारा आप क्या कर सको, उन चीजों को याद रख सको। तो जैसे एक स्ट्रेटेजी हमारी ये हो सकती है कि आप नंबर को घटते से बढ़ते क्रम में याद रख लो। आप जैसे याद रख लो 12 पे कोई कुत्ता था, 14 पे बिल्ली थी, 16 पे ये था, 17 पे ये था, 22 पे ये था, तो नंबर आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। तो उनको आपको अरेंज करके याद रखना है, ना कि ये प्रयास करना है कि आप ये 100% याद करो 20 की 20 इमेज। यदि ऐसा करने जाओगे तो आपकी संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा होगी वो होगी प्रश्न के गलत होने की, ना कि सही होने की। तो पहला काम मैंने आपको बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। दूसरा क्या करना है कि स्वयं प्रश्नों को इस तरीके से अरेंज करना है कि आपको जो नंबर टाइप के प्रश्न दिए हों, या फिर हो सकता है स्टेशन के नाम दिए हों। अभी जो हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न जो है वो इसमें पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी आपको जो है वो इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि जैसे आप किसी जगह के नाम को याद रखते हो तो उस नाम के अकॉर्डिंग आप अपने जो है वो उसको याद रखो। लेकिन ये नहीं करना कि आप बिल्कुल ही प्रैक्टिस ना करो और सीधे जो है वो सिर्फ ऑनलाइन वीडियोज के ऊपर ही डिपेंड पड़े रहो। ये चीज कभी भी नहीं करनी है आपको। आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है प्रैक्टिस। अब हम बात कर लेते हैं कि जो साइको टेस्ट होगा इसमें जो प्रश्न है वो किस किस प्रकार से जो है वो पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करें तो आपने खुद को, आपको पता होगा कि टोटल जो है वो 5 टाइप के प्रश्न जो है वो इसमें पूछे जाएंगे। ये 5 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होगा आपका मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट के अंदर, या फिर बुद्धिमत्ता परीक्षण जिसको बोला जाता है, मेमोरी टेस्ट में कुछ नहीं होगा। आपको कुछ इमेज दिखाई जाएंगी, कोई पटरियां दिखाई जाएगी, कोई स्टेशन दिखाए जाएंगे 5-7, बाद में उनको छिपा लिया जाएगा और उसके बाद में आपसे उनका जो है वो नाम पूछा जाएगा या उस जगह की लोकेशन पूछ ली जाएगी कि आपको बताना है कि यहां पर कौन सी चीज थी, या फिर ये वाली चीज जो है वो किस बॉक्स के अंदर थी। ऐसे जो प्रश्न है वो आपके मेमोरी टेस्ट में आते हैं।
दूसरे टाइप के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे आपकी कि आप निर्देशों को किस प्रकार समझ रहे हो। आपको कुछ निर्देश दिए गए होंगे, उन निर्देशों का पालन करना आपके लिए जरूरी होगा, तो उसको बोला जाता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। FDT में लिख रहा हूं सीधा शॉर्ट में, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, या फिर जिनको बोला जाएगा निर्देशों को समझना। तो कुछ निर्देश होंगे, उन निर्देशों को आपको समझ करके क्या देना होगा, उत्तर देना होगा। तीसरे जो प्रकार के प्रश्न होंगे वो होंगे आपके डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट DPT टाइप में। हिंदी में इसको बोला जाता है दूरी प्रत्यक्षीकरण, दूरी प्रत्यक्षीकरण। दूरी प्रत्यक्षीकरण के अंदर आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको कोई ब्लॉक दिए गए होंगे या फिर कुछ एक जो है वो इमेज दी गई होंगी और आपको उनको देख करके प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सी इमेज के पीछे क्या है, किस इमेज के जो किनारे हैं वो दूसरी से टच नहीं हो रहे, किस इमेज का कौन सा भाग जो है वो छिपा हुआ है। तो ऐसे जो प्रश्न है वो आपसे दूरी प्रत्यक्षीकरण के अंदर पूछे जाएंगे। चौथे टाइप के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपकी एकाग्रता से संबंधित होंगे। एकाग्रता का मतलब है कि उसमें आपको कुछ एक नंबर दिए गए होंगे या फिर कुछ और चीज भी दी गई हो सकती है, ज्यादा जो चांस होते हैं वो नंबर इनके होते हैं, नंबर दिए गए होंगे और सेकेंड रो में भी कुछ नंबर दिए गए होंगे। आपको उनमें से फटाफट देख करके ये चेक करना होगा कि कौन सा नंबर जो है वो सेम तरीके से लिखा गया है, जैसे 5, 6, 7 लिखा हो सकता है, दूसरी जगह 5, 6, 7 लिखा होगा, तो वहां पर जो नंबरों का संख्या है, जो डिजिट्स है वो बढ़ सकते हैं। तो उस केस में आपको जल्दी से जल्दी देखना होगा कि कौन सा नंबर जो है वो वहां पर आपका जो है वो सेम उसी रो की तरह जो है वो लिखा गया है, तो वो आपका आएगा एकाग्रता परीक्षण के अंदर। उसके बाद में जो हमारी पांचवी कंडीशन है, उस पांचवें जो टेस्ट होगा वो आपका रिलेटेड रहेगा परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। तो चौथा तो आपका हो गया कंसंट्रेशन, और जो पांचवा होगा वो हमारा किससे रिलेटेड होगा, वो होगा आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट के अंदर देखो क्या होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण गति जो है वो। तो इसमें आपका क्या जांच किया जाएगा कि आपको कुछ एक 5 या 6 आकृतियां दिखाई गई होंगी, इसी तरीके से सेकंड आपको एक ऑप्शन और दिया होगा उसमें भी कुछ आकृतियां दिखाई गई होंगी। आपको जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि जो आपको आकृति दिखाई गई है वैसी आकृति आपको किस दूसरे जो रो दी गई होगी या कॉलम दिया गया होगा उस कॉलम में वैसी आकृति आपको पहचाननी पड़ेगी कि वैसी आकृति जो है वो वहां पर किस जो है वो डायग्राम के अंदर जो है वो प्रदर्शित की गई है। तो ये सारे पांचों के पांचों टाइप के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो टेस्ट है उसको बैटरी बोला जाता है, उस प्रत्येक बैटरी के अंदर आपको 42% के जो स्कोर है वो करना जरूरी होगा। 42 से कम, मैं आपको बता चुका हूं कि 42 से कम होने का मतलब है कि आप साइको में फेल हो, और साइको में फेल का मतलब है कि आप ALP के लिए अयोग्य हो, ना कि टेक्नीशियन के लिए। तो ALP के लिए यदि आप अयोग्य हो तो टेक्नीशियन के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो, ऐसी कोई बात नहीं होगी कि आपको टेक्नीशियन की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। वहां पर जो टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना जरूरी होगी। उसके अलावा यदि आप साइको में क्लियर नहीं कर पाते तो भी आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल रहोगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें से जो प्रश्न है वो किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो उनके कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें हम पहली बैटरी की। जो पहली बैटरी मैंने आपको बताई जिसको हम बोलते हैं मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी टेस्ट में आपसे कुल 5 प्रकार के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। मेमोरी टेस्ट में आपसे कितने टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 5 टाइप के। अब सवाल आपके मेमोरी बेस्ड ही होते हैं, लेकिन टाइप्स क्या होंगे कि उनमें जो है वो अलग अलग तरीके से उनको बांट दिया जाएगा। जैसे कुछ इमेज दिखा करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये इमेज कौन से कॉलम में है। जैसे मैं यहां पर कोई बॉक्स बना दूं, ये मैंने कोई 4 बॉक्स बना दिए, यहां मैंने लिख दिया कुत्ता, यहां लिख दिया बिल्ली, घोड़ा, उल्लू, इस तरीके से हो सकता है नाम लिखे गए हो, सकता है आपको इमेज दे दी गई हो। ठीक है, अब आपके सामने क्या किया जाएगा कि कुछ समय तक आपको दिखाने के बाद में ये डायग्राम, ये पेज जो है वो पलट दिया जाएगा, ये पेज आपकी स्क्रीन से आउट हो जाएगा, उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से खाली जो बॉक्स है वो बन करके आ जाएंगे।
ये मान लिया ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया होगा कि इन जानवरों के या जो इमेज आपको दिखाई गई होगी वो इमेज दिखा दी जाएगी और आपसे पूछा जा सकता है कि सी के अंदर जो है वो कौन सी इमेज थी या बी के अंदर जो है वो कौन सी इमेज थी। तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी इमेज जो है वो किस पार्ट के अंदर जो है वो दी गई होती है। तो एक जो मॉडल पेपर उन्होंने अपलोड किया था रेलवे ने, उससे हम देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अब यहां पर देखो आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, ये आपका जो है वो एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को कुछ समय तक आपने देखना है, उसके बाद में आपको इस तरीके से जो है वो डायग्राम दिया गया होगा, उस डायग्राम में आपको बताना है कि जो घर वाला पोजीशन है वो कहां पर थी, जो आपकी ये वाली पोजीशन दे रखी है वो कहां पर थी, और जो आपकी ये वाली पोजीशन दे रखी है वो कहां पर थी। तो ये तो एक हो गया सिंपल तरीका। अब जरूरी नहीं है कि ये जो इमेज दी गई हो ये इतनी हो, इमेज इमेज की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, काफी बड़ा हो सकता है डायग्राम। तो वहां पर जो मैंने आपको बताया था प्लान क्या करना है आपको, कि मान लिया हमने 20 इमेज दी गई है, तो 20 में से आप कोशिश करें कि कम से कम 12-13 इमेज को याद रखने की कोशिश करें। पूरा 20 के 20 को याद नहीं रखना, उन्हीं को याद रखें जिनका कुछ जो है वो सीरीज बन रही हो। जैसे नंबर डले गए हो तो 14 नंबर हो गया, 17 हो गया, इस तरीके से डला गया हो, तो उन्हीं को याद रखें। लगभग जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उसी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो यहां पर तो ये सिंपल डायग्राम है, यदि इमेज की संख्या ज्यादा हो तो हमें 100% की ओर नहीं जाना, हमें कवर करना है 60 से 70%। उतना यदि हम कवर कर लेंगे तो हमारा जो प्रश्न है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस करना है प्रैक्टिस और स्पीड के ऊपर। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल दिया गया, और आप समझ में आ गया होगा आपको कि जो मेमोरी टेस्ट में टाइप फर्स्ट में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपसे इस प्रकार के पूछे जाएंगे। इमेज दी गई होगी और उसके बाद में आपको बताना होगा कि कौन सा चित्र, कौन सा जो नंबर था वो कहाँ पर लिखा हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं जो टाइप टू के प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जो मेमोरी बेस्ड होंगे उनमें टाइप टू के प्रश्नों में देखो क्या दिया होगा कि कुछ आकृतियां दी गई होगी और उन आकृतियों के साथ में आपके क्या दिए गए होंगे, नंबर दिए गए होंगे। अब यहां पर वही चीज निकल करके आई कि यहां पर कुछ आकृतियां दी गई हैं और आकृतियों के साथ में नंबर दिए गए हैं। अब आपसे प्रश्न हो गया ये वाला, और उत्तर के रूप में क्या दिया जाएगा, इस तरीके से शीट दे दी जाएगी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि टॉर्च की जो हमारी आकृति थी उसके साथ में कौन सा नंबर था, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पर जो मैंने आपको चीज बताई आपको कैसे याद रखना है कि सबसे पहले 17 देख लो, फिर उसके बाद 28 देख लो, फिर आपको ऐसे घटते से बढ़ते क्रम की ओर चलते जाओ। 28 के बाद 42, 42 से 64, 64 से 75, फिर 93, ठीक है। ये नहीं रखना आपने कि 93 देख लिया, उसके बाद में 28 देख लिया, फिर आपने 17 देख लिया, फिर 75 देख लिया, फिर 42 देख लिया। ऐसा करोगे तो आपका जो प्रश्न है वो संभावना ज्यादा से ज्यादा उसके गलत होने की रहेंगी। आपको किसी ना किसी तरीके से इसको याद रखना है, बाकी तरीके आपको खुद बनाने हैं कि किस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहां पर ये डायग्राम दिया गया है तो आप इसको कैसे भी याद रख लो कि किताब पढ़ते पढ़ते अंगूर खा रहे थे, उसी टाइम क्या हुआ, लाइट चली गई और मम्मी ने आवाज दी कि अब जो स्त्री है वो किस प्रकार हम कर सकेंगे। तो इस तरीके से चार इमेज हमें सीधी याद हो गई कि किताब पढ़ रहे थे, किताब के साथ साथ में हमने अंगूर खा रहे थे, तो 17 के बाद में 28 पे अंगूर हो गया आपका। उसी टाइम जो है वो हमारी लाइट चली गई, तो लाइट वाला आपका सबसे लास्ट में होगा, और जो प्रेस वाला आ गया आपका 42 आ गया। तो आप कोई भी तरीका अपना जो है वो अपना सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। और जो इमेज दी गई होंगी उनका कुछ ना कुछ रिलेशन आपस में इसी तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जरूरी नहीं है कि आप रटा रटाया ही पढ़ो, जो आपका दिमाग, वहां पर आपका एप्टीट्यूड ही टेस्ट हो रहा है, जो आपकी मानसिक योग्यता है वही जांच की जा रही है। तो आप अपनी मानसिक योग्यता के हिसाब से किसी भी तरीके से जो है वो इनको अरेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो टाइप बी है पहले का, मेमोरी बेस्ड की बात हो रही है यहां पर, टाइप बी में आपसे इमेज प्लस नंबर्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं टाइप जो थ्री के प्रश्न है मेमोरी बेस्ड में, उनमें क्या दिया गया होगा। टाइप थ्री के प्रश्नों में देखो इस तरीके से पटरियां बना दी जाती है, ये कोई एक पटरी हो गई, उसके बाद में ये कोई दूसरी पटरी हो गई, ये आपकी कोई तीसरी पटरी हो गई, और यहां पर कोई चौथी पटरी हो गई। अब इन पटरियों के ऊपर क्या किया गया होगा, यहां पर अलग अलग तरीके से नंबर डले होंगे।
जैसे ये हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, 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 ठीक है। अब ये जो डॉट लगाए हैं मैंने, यहां पर क्या होगा, स्टेशन के नाम लिखे होंगे। अब यहां पर जैसे हमने लिख दिया कोई पटना, यहां पर कोई वाराणसी, यहां पर कोई लखनऊ, दिल्ली, ठीक है, यहां पर इलाहाबाद हो गया आपका, कुछ भी मान लो आप। तो इस तरीके से आपसे जो है वो स्टेशनों के नाम लिखे गए होंगे। अब आपको मेमोरी बेस्ड टेस्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पर कौन से स्टेशन का नाम लिखा गया था। जैसे अभी तो हमारा ये डायग्राम हो गया, पहले आपको ये वाला डायग्राम दिखाया जाएगा जो मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पर बनाया, इस तरीके का कुछ दिखाया जाएगा। उसके बाद में आपके सामने क्या किया जाएगा कि उस डायग्राम को हटा दिया जाएगा, और उसके बाद में ये स्टेशन वाली जगहें जो है वो सारी आपकी जो है वो ये नाम ये डिलीट कर दिए जाएंगे, ये नाम डिलीट हो जाएंगे, आपके सामने जो है वो सिर्फ ये डायग्राम बचेगा। अब उस डायग्राम में पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर आपके कौन सा स्टेशन था, इस पॉइंट के ऊपर कौन सा स्टेशन था, ए बी सी डी इस तरीके से डाला जा सकता है, इस पॉइंट के ऊपर कौन सा स्टेशन था। तो आपको वहां पर सिंपल ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पर कौन सा स्टेशन था। उनको भी आप याद रखने के लिए वही चीज है कि अपना खुद का कोई तरीका अपनाओ, या तो अल्फाबेट के रूप में याद रखो उनको कि किस तरीके से जो है वो स्टेशन कौन सा ऊपर था अल्फाबेट सीरीज में, कौन सा नीचे था, तो उनका कुछ ना कुछ क्रम जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा, जिससे कि आप उसको सिंपल तरीके से याद रख सको। तो ये थे टाइप 3 के प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करें जो टाइप 4 के प्रश्न है वो किस प्रकार के होंगे। अभी हम बात करें सिर्फ पहले के ही, पहले का ही टाइप 4। मैंने आपको बताया कि पहले में ही 5 प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब देखो कि टाइप 4 में क्या होगा कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिखाए जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे। ये सारे जो टाइप्स हैं वो हम आगे जो हमारी सीरीज ये चलती रहेगी तो उस सीरीज में हम हल करेंगे। आज हम एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो टाइप 4 में देखो क्या होता है कि जैसे यहां पर कोई एक आदमी बना गया होगा, उस आदमी के साथ में कुछ ना कुछ चीज दर्शाई गई होगी। जैसे ये आदमी है, आदमी के साथ में कोई सिगरेट जला दी, यहां पर सिगरेट है, ये दोनों चित्र एक दूसरे से इस तरीके से रिलेट होंगे, ठीक है। यहां पर कोई एरोप्लेन दिखा दिया जाएगा आपको, और यहां पर कोई पायलट दिखा दिया जाएगा, ठीक है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इस प्रकार के डायग्राम होंगे। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से व्यक्ति के साथ में कौन सा चिन्ह दिया गया था। तो आपको यहां पर तो हमने सीधे सिंपल इस तरीके से बनाए हैं, वहां पर आपको अलग अलग जो है वो डायग्राम बनाए गए होंगे। जैसे पायलट का दिया गया होगा, जो हमारे गार्ड्स होते हैं उनका दिया गया होगा, कोई गार्ड दे दिया होगा, या फिर कोई अलग तरीके से कपड़े पहना करके व्यक्ति खड़ा होगा, उसके साथ में कुछ चिन्ह होगा। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन से व्यक्ति के साथ में कौन सा चिन्ह है उससे रिलेटेड था। आपको नीचे जो है वो व्यक्ति दे दिए जाएंगे, और वो जितने चिन्ह आपसे प्रश्न में दिए गए थे वो सारे चिन्ह एक रो के अंदर दे दिए जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ में कौन सा चिन्ह था, तो आपको वहां पर सिलेक्ट करना है कि किस व्यक्ति के साथ में जो है वो आपका किस तरीके का चिन्ह जो है वो बना हुआ था। तो ये है आपके टाइप 4 के प्रश्न। टाइप 5 के प्रश्नों की जब हम बात करें मेमोरी बेस्ड में, तो उसमें क्या पूछा जाता है, जो टाइप आपके 5 होते हैं उस टाइप 5 में आपको क्या दी गई होंगी, कुछ आकृतियां दी गई होंगी। जैसे यहां पर कुछ त्रिभुज बना दिया, इधर कुछ राउंड बना दिया, यहां स्टार बना दिया, इस तरीके से क्या होगी, ये आपका एक आकृति हो गई। इसी तरीके से 3-4 आकृतियां आपको बना करके दे दी जाएंगी। उसके बाद में एक सेकंड आपके सामने जो है वो आंसर की शीट आएगी। उस आंसर की शीट में से आपको पहचानना होगा कि कौन सी आकृति जो है वो आपकी उससे मैच कर रही है, सेम उसी की तरह होगी। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रश्न उत्तर की आकृतियों में होगा। जैसे आपका जो ये डॉट है वो डॉट त्रिभुज वाली जगह आ जाएगा, स्टार आपका डॉट वाली जगह आ जाएगा, इस तरीके से वो 3 आकृतियां तो अलग होंगी, लेकिन जब आपकी उत्तर की शीट होगी तो उसमें एक आकृति ऐसी होगी जिसमें यहां पर त्रिभुज होगा, यहां पर आपका डॉट होगा, और यहां पर आपका जो है वो स्टार होगा। तो आपको बताना होगा कि ये वाली आकृति जो है वो इससे बिल्कुल सेम मैच कर रही है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा बारीकी से कि कौन सी आकृति जो है वो कहां पर बनी गई थी। जैसे त्रिभुज के राइट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में क्या था, त्रिभुज के ऊपर क्या था। तो आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है,
जरूरी नहीं मैंने बनाया यही वाला, इसी टाइप के ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कैसे भी हो सकता है, यू दे दिया जा सकता है, यू बना करके यहाँ वी हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, ऊपर आपको जेड दे दिया जाएगा। तो आपको इसी तरीके से जो है वो देखना पड़ेगा कि कौन सी आकृति जो है वो किससे मैच कर रही है। तो इस प्रकार से ये 5 टाइप के प्रश्न जो है वो आपसे टाइप 1 के अंदर पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप 2 के प्रश्नों की। टाइप 2 में मैंने आपको बताया कि क्या होंगे, दिशा निर्देश आपको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे, दिशा निर्देश। अब देखो दिशा निर्देशों के अंदर क्या दिया होगा, होगा कि आपके सामने कुछ रो बना दी जाएगी, ऐसे 1 2 3 4 यहां पर आपके सामने लिख दिया जाएगा ABCD, ठीक है। यहां पर फिर आपका BCAD, इस तरीके से यहां पर आपका कुछ और लिखा होगा, यहां पर सी दे दिया जाएगा, ए दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा, डी दे दिया जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें तो यहां पर आपका BACD, इस तरीके से कुछ सीरीज लिखी गई होंगी। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि जब पहले आपके सामने इस प्रकार की कुछ शीट बनी होगी, जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो प्रश्न में क्या पूछा जाएगा कि यहां पर तो हमारी ये चलो सीरीज हमने थोड़ी सही नहीं बनाई, लेकिन वहां पर क्या होगा कि उनके बीच में कुछ ना कुछ लिंक होगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेकेंड रो के अंदर बी के दाईं ओर क्या था, ठीक है, या फिर जो आपकी सी था, ये हमारी रो होगी, ये इस तरीके से रो होती है और ये खड़े वाले कॉलम होते हैं। तो प्रश्न आपके रो और कॉलम के रिलेटेड जो है वो पूछे जा सकते हैं। पूछ लिया जाएगा कि थर्ड रो में ए के दाएं ओर क्या था, तो आपको ध्यान रखना है कि ए के दाएं ओर क्या आ गया, सी आएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस केस में या तो ये रिलेशन हो सकता है, या फिर जो आपका क्रम लिखा गया होगा वो इसी तरीके से होगा कि सी के ठीक ऊपर आपका बी लिखा होगा प्रत्येक केस के अंदर। तो जैसे यहां पर सी के ठीक ऊपर बी है, सी के ठीक ऊपर बी लिखा होगा, यहां पर सी के ऊपर ए ना होकर के यहां भी बी लिखा होगा। तो इस प्रकार से एक क्रम बना होगा, उस क्रम के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देने होंगे कि सी के ऊपर जो है वो क्या लिखा गया था, बी लिखा गया था या ई लिखा गया था या ए लिखा गया था। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि टाइप 2 में आपसे रो और कॉलम से रिलेटेड जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने यहां पर क्या दिया आपको, ये रो में 1 2 3 4 लिखा है, यहां पर आपसे जो इसी का सेकेंड टाइप के सवाल होते हैं उसमें यहां पर ABCD लिख दिया जाएगा, ABCD यहां पर कुछ गिनती लिखी गई होगी। अब वो गिनती इस तरीके से क्रम में सेट की गई होगी कि 2 के ऊपर हो सकता है 4 आए, हर बार 2 के ऊपर 4 ही आएगा, हर बार 4 के नीचे जो है वो 7 आएगा, हर बार 6 के ऊपर जो है वो 5 आएगा। तो ऐसी जो है वो कुछ ना कुछ आपको यहां पर सेटिंग की गई मिलेगी। उस सेटिंग के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना होगा कि 3 के ऊपर जो है वो क्या आ रहा है, 3 के दाईं ओर क्या आ रहा है, 3 के लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाते हैं टाइप 2 के अंदर। तो दिशा निर्देशों को आपको समझना पड़ेगा, उन दिशा निर्देशों को समझ करके आपको क्या देना है, अपना उत्तर देना है। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 जो आपका है दूरी प्रत्यक्षीकरण का, इसमें आपसे इस प्रकार के जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस प्रकार के डायग्राम दिए गए होंगे और उनसे रिलेटेड जो सवाल है आपसे पूछे जाएंगे। अब इन डायग्राम्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे ये नंबर्स डले हुए हैं ABCD, इस तरीके से नंबर डले हुए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसके नीचे या ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखा गया है, ठीक है। कौन से ऐसे ब्लॉक हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कितने ऐसे ब्लॉक हैं जो आपको जो है डायग्राम में स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे, कितनी ऐसी सतहें हैं जो छिपी हुई है, कितनी ऐसी सतहें हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे गए हैं। तो इस प्रकार के सारे जो सवाल है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब आप टाइप 3 के प्रश्नों को हल करोगे तो उसमें आपको इसी प्रकार के ब्लॉक बनाए हुए मिलेंगे, उन ब्लॉक में ही आपको आपका उत्तर देना होगा कि कौन सी सतह आपको दिखाई नहीं दे रही, कितनी सतहें जो है वो फ्लैट है, कितनी सतहों के ऊपर जो है वो नंबर लिखे गए हैं। यही सारे सवाल जो है वो टाइप 3 के प्रश्नों में आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा अगला टाइप है वो है टाइप 4 का। इन सभी टाइप्स की आगे जब हमारी श्रृंखला चलती रहेगी तो उसके अंदर हम इनको बारी बारी से पढ़ते हुए चलेंगे। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ अभी हम एक मोटा मोटा ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं, जिससे कि हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि किस तरीके से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब देखो टाइप 4 में क्या है,
आपका एकाग्रता से रिलेटेड है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन वाले इन चीजों के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपको जो है वो कुछ नंबर दिए गए होंगे, उन नंबर्स को देख करके आपको यस या नो के अंदर जो है वो आपके आंसर देने होंगे। अब नंबर देखो किस प्रकार लिखे गए होंगे कि यहां पर इस तरीके से दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने इसको, यूं आपके बंटे होंगे वहां पर। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 5 6 7, यहां पर लिख दिया 5 6 7, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर यस। दोनों को आपको मिला करके देखना है। तो नंबर जो है वो इस तरीके से, यहां मैंने लिख दिया 2 7 6 8, यहां मैंने लिख दिया 2 6 7 8, तो आपका आंसर क्या आएगा? 9। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया 5 9 8, यहां मैंने लिख दिया 5 8 9, तो आपका आंसर क्या आएगा? 9। यहां मैंने लिख दिया 1 3 4, यहां लिख दिया 1 3 4, आपका आंसर आएगा यस। तो इस तरीके से आपको नंबरों को देखना है कि दोनों में नंबर जो है वो सेम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ये काम भी आपको जो है वो पूरा एकाग्रता से ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि जो टाइप बी होता है इस फोर का, जो टाइप फोर है इस टाइप फोर का जो पार्ट बी होता है, जो दूसरे टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, वहां पर ये जरूरी नहीं है कि 3 अंक के या 2 अंक के नंबर हो। यहां पर जैसे 12 लिखा हो सकता है, 13 लिखा हो सकता है, वहां पर जो नंबर होंगे वो आपसे काफी बड़ी रकम भी हो सकती है। जैसे 5 या 6 डिजिट के नंबर भी हो सकते हैं, 4 डिजिट के नंबर भी हो सकते हैं। तो उन डिजिट के नंबरों में आपको है वो ध्यान रखना होगा। बहुत ही हल्का सा फर्क आपको, थोड़े बहुत जो डिजिट है वो इधर उधर किए हुए मिलेंगे, और आपको बताना पड़ेगा कि किसमें आपका आंसर जो है वो यस है और किसमें आपका आंसर जो है वो नो है। तो प्रश्न इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं इसमें, बस हमें क्या ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है, वो क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको जो है वो अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो टाइप 4 में उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको क्या करना होगा, नंबर के अंदर से आपको छांटना होगा और उनको बताना होगा कि कौन से में आपका आंसर यस है और कौन से में आपका आंसर जो है वो नो है। तो वो हम जब सीरीज इसको कंटिन्यू करेंगे तो उसके द्वारा आपके सामने जो है वो स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आते हैं आपके टाइप 5 के अंदर, पांचवां प्रकार। पांचवां प्रकार जिसको हमने बोला था प्रत्यक्षीकरण गति मापन, इसमें क्या होगा कि आपको कुछ शेप्स दी गई होंगी, आकृतियां दी गई होंगी, उन आकृतियों को देख करके आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन सी आकृति जो है वो आपकी प्रश्न में जो दी गई आकृतियां उनमें से मैच करती है। तो जैसे आपके सामने जो है वो अलग अलग तरीके से स्टार बने हो सकते हैं, इस तरीके से आपके सामने स्टार बना होगा। अब इस स्टार में हो सकता है यहां पर डॉट दिया हो, यहां पर आपका कुछ एक और स्टार बना हो, फिर आपके सामने जो है वो प्रश्न दे दिए जाएंगे इस तरीके से, वहां पर भी आपके जो है वो 4 स्टार बने होंगे इस तरीके से अलग अलग। जैसे यहां पर मैं 2 ले रहा हूं, तो उन 4 स्टार में भी जो है वो बारीक सा एक अंतर होगा जो आपका इन 3 में नहीं मिलेगा। इन प्रश्न आकृतियां इस प्रकार बनी होंगी, इन 3 में आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आपकी आपने यहां पर देखी थी। तो इन यहां पर जो ऑप्शन दिए गए होंगे उन ऑप्शन के अंदर से आपको पहचानना है कि जो आकृति आपने देखी थी वो आकृति इनमें से कौन सी है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे उनमें से आपको पहचानना है कि जो आपने देखा था वो आकृति कौन सी थी। बिल्कुल माइनर सा फर्क होता है वहां पर, तो उन चीजों को भी आपको नोट करके बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज जो है वो आपने देखी है और उसका उत्तर जो है वो क्या होगा। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो यहां पर देखो कि एक साइड में आपको जो है वो अलग अलग यहां पर देखो आकृतियां बनी हुई है। उन आकृतियों में से आपको पूछा जाएगा कि कौन सी आकृति, ए वाली आकृति कौन सी है, बी वाली आकृति कौन सी है, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहां पर ए वाली आकृति आप जब देखोगे तो वो आपकी सेम इसकी तरह से मैचिंग कर रही है, तो ये आकृति होगी। इसी तरीके से ये अलग अलग तरीके से सवाल जो है वो आपके सामने बनाए गए हैं, आपको उनमें आकृतियों को देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट वाली आकृति है वो किससे मिलती है, सेकंड वाली आकृति किससे मिलती है, थर्ड वाली किससे मिलती है, फोर्थ वाली किससे मिलती है। तो आप मोटा मोटी ये बोल सकते हो कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको शीघ्रता से शीघ्रता पूर्वक क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं का मिलान करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी देखना पड़ेगा कि कौन सी आकृति का मेल जो है वो किस आकृति के साथ में होता है। तो ये आपके पूरे 5 प्रकार के प्रश्न जो है वो साइको टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं।
बिल्कुल सिंपल सिंपल जो है वो हो सकते हैं यदि हम थोड़ी सी अभ्यास करते हुए चलें, और बहुत ही ज्यादा हार्ड हो सकते हैं यदि हम इसको हल्के में लें। तो मेन जो मैंने आपको बता दिया क्या चीज हो सकती है आपके लिए इसमें कामयाब आपको बनाने के लिए, वो है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस के द्वारा ही आप क्या करोगे, इन प्रश्नों को हल कर पाओगे, और आपकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है इन प्रश्नों को हल करने में। उत्तर आपको सभी के पता होंगे, लेकिन आपके पास में समय कम होगा, उस कम समय के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा उत्तर देने होंगे, तो उस केस में आपके जो काम आएगी वो आएगी आपकी प्रैक्टिस। तो उसी को ही आपको क्या करना है, आगामी दिनों में लगातार जारी रखना है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी साइको टेस्ट के बारे में। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।